गोरखपुर जिले में मंगलवार को पहली बार 1000 के आंकड़े को पार करके 1067 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 623 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 391 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 53 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 53 वर्षीय और 38 वर्षीय पुरुष तथा एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 30,639 हो गई है। इनमें 397 की मौत हो चुकी है। 23,384 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 6,858 हो गए हैं। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कि कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, आज हमारे यहाँ भी कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही है। आज हमारे यहाँ भी पॉजिटिव कोरोना केसेस जो 1000 से ऊपर आए हैं, और हम सब अगर ध्यान नहीं देंगे, पब्लिक ध्यान नहीं देगी, तो केसेस बढ़ते रहेंगे। इस बीमारी को बचने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जब अगर हम मास्क लगा लेंगे, बाहर न जाएं, सोशल अगर जाते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत जरूरी है तभी हम बाहर की तरफ जाएं। तो अगर हम इन सब चीजों का और हाथ धोते रहें, अगर इन सब चीजों का हम पालन करते हैं तो बीमारी स्वतः खत्म हो जाएगी और हमारा जो बढ़ता हुआ ग्राफ है वो हमारा डाउन होने लगेगा और हम जिले को इस कोरोना की बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। इसको इससे बचने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। सभी लोगों को इन चारों चीजों का पालन करना चाहिए और आप सभी लोग अगर ध्यान देंगे तो वो जनता खुद अपने आप स्वस्थ रहेगी और जो विभाग लगे हुए हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए उनके ऊपर भी आप लोगों का एहसान रहेगा। इसी अपील के साथ में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, बाहर थूके नहीं, और अगर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। निकलने की कोई आवश्यकता नहीं तो बिल्कुल घर में रहें। 15 दिन अगर कोई पालन कर लेता है, अगर सब लोग पालन कर लें, तो इस बीमारी से हम देश को, अपने जिले को और अपने प्रदेश देश को राहत दिला सकते हैं।